ऑडियंस के बीच में ओटीटी प्लेटफॉर्म की डिमांड इस कदर बढ़ गई है कि ऑडियंस को चाहिए हर हफ्ते कुछ नया, चाहे वो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिले। हर जॉनर की कहानियाँ, हर लैंग्वेज की कहानियाँ आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगी, जिसके लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। उन्हें पता है कि हर हफ्ते चाहे थिएटर में एक फिल्म रिलीज़ हो, लेकिन ओटीटी पर तमाम फिल्म्स और वेब सीरीज़ हमें मिलने वाली हैं। इस वजह से ज़्यादा लोग ओटीटी प्रेफर करने लगे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो भाई नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, Z5 जैसे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपनी ऑडियंस को उनसे बांधे रखने के लिए काफ़ी अलग अलग तरह के जॉनर्स को उनसे मिलवाते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस कहीं ना जाए। हम अपने प्लेटफॉर्म पर हर जॉनर उनको प्लेटर में सजा कर दे दें, इस वजह से रोमांस हो या फिर एक्शन या फिर क्राइम थ्रिलर, भाई सब मिलेगा ओटीटी पर। तो चलिए इस हफ्ते की लिस्ट में शुरू कर देती हूँ कि आपको इस वीक कौन कौन सी फिल्म और वेब सीरीज ओटीटी पर देखने मिलेंगी। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दिल दोस्ती डिलेमा का। अस्मारा नाम की एक लड़की है जिसका रोल प्ले कर रही हैं अनुष्का सेन। जी हाँ, वही अनुष्का जो आपको तमाम टीवी सीरियल्स में देखने मिल चुकी हैं। उनके आसपास ये कहानी घूमती है और उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब उनके पेरेंट्स उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए, उन्हें ट्रेडिशन सिखाने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेज देते हैं। सीरीज़ में अनुष्का सेन, कुश जोटवानी, तन्वी आज़मी, शिशिर शर्मा, सुहासिनी मुले एंड एलिशा मयोर जैसे कलाकार नजर आएंगे। प्राइम वीडियोस पर 25 अप्रैल को ये वेब सीरीज रिलीज कर दी जाएगी। अगला नाम आता है भीमा का। एक ऐसी मिस्टीरियस कहानी जिसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट काफी लंबे वक्त से थी। इस फिल्म में गोपी चंद लीड रोल में आपको नजर आएंगे और वहीं प्रिया भावनी शंकर, मालविका शर्मा भी इस फिल्म में दिखाई देने वाली हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा बांधे रखने वाली है। आपको हर मोमेंट पर एक अलग ही परत खुलती दिखाई देगी। एंड तक सस्पेंस बना रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को इस चीज़ के लिए बनाया गया है। बात करें इसकी रिलीज डेट की तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 25 अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। अगला नाम आता है कुंग फू पांडा 4 का। अमेरिकन एनिमेटेड मार्शल आर्ट्स कॉमेडी मूवी जो ड्रीम वर्क्स एनिमेशन ने प्रोड्यूस की, भाई इस फिल्म के पिछले 3 पार्ट्स को इतना पसंद किया गया कि इसकी 4th इंस्टॉलमेंट तो आनी ही थी। अब कुंग फू पांडा की फ्रेंचाइजी में एक और इंस्टॉलमेंट यानी कि कुंग फू पांडा 4 ऐड हो चुकी है। इसमें जैक ब्लैक, डस्टिन हॉफमैन, जेम्स हॉन्ग जैसे कलाकार दिखाई देंगे। आपको बता दें कि प्रीवियस फ्रेंचाइजीज में भी यही दिखाई दिए थे। इसके अलावा ये फिल्म 8 मार्च को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब बारी है ओटीटी रिलीज की। तो भाई अमेजन प्राइम वीडियोस पर 26 अप्रैल को कुंग फू पांडा 4 रिलीज हो जाएगी। अगला नाम है डेड बॉय डिटेक्टिव्स। वेल, सुपर नेचुरल सीरीज जो जल्द ही आपको देखने मिलेगी। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी टेलीविजन सीरीज है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा हॉरर का तड़का लगाया गया है। किस तरह से सुपर नेचुरल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन में और कहानी कहां से कहां चली जाती है, किस तरह के मोड़ ले लेती है, वो सच में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कहानी शुरू से लेकर एंड तक सस्पेंस पर बेस्ड है। वेल, 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को रिलीज कर दिया जाएगा। अगला नाम है क्रैक, जीतेगा तो जिएगा। वेल, हिंदी लैंग्वेज की स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म जिसमें आपको नजर आए थे विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था उनका इस फिल्म में और सभी काफ़ी अलग लेवल का एक्शन करते दिखाई दिए थे। फिल्म बेस्ड थी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्शन मूवी पर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पोर्टी चीज़ें दिखाई गई थी। 2 महीने पहले फरवरी यानी कि 23 फरवरी को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था, लेकिन अब बारी है इस फिल्म के ओटीटी रिलीज की। तो डिज्नी प्लस और हॉटस्टार पर इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, वो भी 26 अप्रैल को। अगला नाम है टिल्लू स्क्वायर का। वेल, ये कहानी टिल्लू के आसपास घूमती है। एक ड्रामेटिक टर्न आता है जब वो मिस्टीरियस मर्डर केस में फंस जाता है।
इस फिल्म के अंदर अनुपमा परमेश्वरन भी दिखाई देंगी और साथ ही फिल्म को लेकर काफ़ी टाइम से बज़ है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहानी आपको इस पर देखने मिलेगी और इस बार ये फिल्म आपको OTT पर यानी कि नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी, वो भी 26 अप्रैल। इन दोनों की केमिस्ट्री ना आपको इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर कर देगी। मतलब ये दोनों जब भी स्क्रीन पर आते हैं कमाल तो करते हैं, लेकिन जब साथ में आते हैं तो और भी ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं। और इस फिल्म को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला नाम है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड का। जिम्मी शेरगिल लारा दत्ता की ये फिल्म जल्द ही आपको जियो सिनेमा पर देखने मिलेगी। इस फिल्म की खास बात ये है कि इस टॉपिक पर कई बार फिल्म्स बन चुकी हैं, लेकिन इसको किस तरह से बाकी फिल्म से अलग बनाया गया है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। किस तरह से पुलवामा अटैक के बदले में एक बेफिटिंग रिप्लाई पाकिस्तान को दिया गया था और किस तरह से दिया गया था, कौन कौन से इंटेलिजेंस इसमें शामिल थे, इस फिल्म में आपको वो देखने मिलेंगे। हालांकि जियो सिनेमा पर इसे सीरीज की तरह दिखाया जाएगा और ये सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पुलवामा अटैक से रिलेटेड आपने कई स्टोरीज देखी हैं। इससे पहले फाइटर में भी हमने ये कहानी देखी थी, लेकिन उसमें उस कहानी को एयर मार्शल्स के नज़रिए से दिखाया गया था, लेकिन इस फिल्म में इस कहानी को इंटेलिजेंस के नज़रिए से दिखाया गया है। कहानी वही है लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि तरीका अलग है। बात करें इसके रिलीज डेट की तो 25 अप्रैल को जियो सिनेमा पर आपको ये देखने मिल जाएगी। इसके अलावा नया नाम आता है फिल्म द फैमिली स्टार का। बात करें विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर की फिल्म द फैमिली स्टार की, तो ये फिल्म अभी रिसेंटली 5 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हुई थी। कमाल की फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें विजय देवरकोंडा काफ़ी अच्छे रोल में दिखाई दिए हैं और वहीं मृणाल ठाकुर उनके साथ काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फिल्म की काफ़ी सारी क्लिप्स वायरल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री को पसंद किया गया था। इससे पहले भी मृणाल ठाकुर कई साउथ मूवीज़ में नज़र आ चुकी हैं और विजय देवरकोंडा के साथ उनकी पेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अलग और हटके थी। फिल्म को थिएटर में थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन अब फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है। Amazon Prime Videos पर 26 अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री लोगों को इतनी पसंद आई थी कि लोग इस फिल्म को देखते हुए थिएटर में सीटी बजाने से रुक नहीं रहे थे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको बता दी है इस वीक की OTT कंटेंट लिस्ट कि आखिर कौन कौन सी फिल्म्स और वेब सीरीज आप इस हफ्ते इस वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई वेट किस बात का कर रहे हैं, बस इस बात का कीजिए कि अगर आपके पास इनमें से किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जाइए ले लीजिए, क्योंकि ये बड़ा काम आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपका क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में बताइए। आप कौन सी फिल्म और वेब सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।